प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग जो स्नेह प्यार मुझको दे रहे हैं, जिस तरीके से फरमाइश कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम को, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि आप लोगों को कुंडली तथा कुंडली के ग्रहों की जानकारी आपको हमेशा प्राप्त कराता रहूँ, और आप लोग इसी श्रद्धा प्यार से मेरे वीडियो प्रोग्राम को देखते रहेंगे तो खुद कुंडली के ज्ञाता बन जाएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज आपको आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। आज मैं एक चार ग्रहों की युक्ति, अगर आपके कुंडली में है तो ये रंग से राजा भी बनाता है, राजा से रंक भी बना देता है। किस भाव में राजा बनाता है, किस भाव में रंक बनाता है, किस भाव में आपको पारिवारिक कष्ट देता है, शत्रुओं को कष्ट देता है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। गुरु मंगल सूर्य शनि की युक्ति, ये चार ग्रहों की युक्ति सुनिए। जिसके कुंडली में लग्न में मंगल, जिसके कुंडली में लग्न में गुरु मंगल सूर्य शनि की युक्ति है, ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, ऐसे लोग बलवान होते हैं, कर्मठ होते हैं, परंतु दोस्तों ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, इनका पारिवारिक जीवन कभी अच्छा नहीं होता। जिस व्यक्ति के दूसरे भाव में, कुंडली के दूसरे भाव में गुरु मंगल सूर्य शनि की युक्ति है, ऐसे लोग धन तो अवश्य कमाते हैं परंतु संचय नहीं कर पाते हैं, संघर्ष अधिक करते हैं, जीवन इनका अधिकांश संघर्ष में व्यतीत होता है और जीवन में पूर्ण सफल नहीं हो पाते। जिस व्यक्ति के तीसरे भाव में गुरु मंगल सूर्य शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग माता पिता के जायदाद को बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों का मानसिक विचार अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, इनकी सोच गंदी होती है। जिस व्यक्ति के तीसरे भाव, चौथे भाव में, चौथे घर में गुरु मंगल सूर्य शनि की युक्ति हो, ये अक्षमातिक पद की प्राप्ति करते हैं, कम परिश्रम में अधिक लाभ पाते हैं, जीरो से हीरो बनते हैं। परंतु दोस्तों मंगल चौथे भाव में नीच का रहने की वजह से ये चरित्र इनके गिर जाते हैं, नशा पानी करते हैं, गंदे लोगों की दोस्ती करते हैं, जिससे इनकी प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति के पांचवें भाव में गुरु मंगल सूर्य शनि की युक्ति हो, ये कम परिश्रम में अच्छी शिक्षा पाते हैं, सम्मानजनक एजुकेशन देते हैं, बहुत कम उम्र में प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं, लेखक बनते हैं और पत्रकार बनते हैं। जिस व्यक्ति के छठवें भाव में गुरु मंगल सूर्य शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं, कभी चरित्र नहीं जाता है, कभी जेल नहीं जाते हैं, कभी किसी मुकदमे में हारते नहीं। जिस व्यक्ति के सातवें भाव में गुरु मंगल सूर्य शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है, महिला है तो पति से, पुरुष है तो पत्नी से विवादाग्रस्त रहता है, तलाक तक की समस्या आती है, केस मुकदमा होता है, चरित्र इनके अच्छे नहीं होते हैं, कुंवारे लड़का लड़की हैं तो उनको उनके शादियों में विलम्ब होता है। जिस व्यक्ति के आठवें भाव में गुरु मंगल सूर्य शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य के कारण परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों को डायबिटीज, दमा, बीपी ऐसी रोग होती है और मेंटली रोग भी होता है, कभी कभी इनका मंद बुद्धि भी हो जाता है। जिस व्यक्ति के नौवें भाव में गुरु मंगल सूर्य शनि की युक्ति हो, क्या बात है, ऐसे लोग रंग से राजा बन जाते हैं, राजनीति में सफलता पाते हैं, संसद विधायक बनते हैं, सरकार से भी इनको अच्छे पद की प्राप्ति होती है।
जिस व्यक्ति के दसवें भाव में गुरु मंगल सूर्य शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, ऐसे लोगों की इज्जत प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, ऐसे लोग सामाजिक इनका बहिष्कार होता है और जीवन में इनका जीवन जीरो के समान रहता है, कभी सफल नहीं हो पाते। जिस व्यक्ति के ग्रहवें भाव में गुरु मंगल सूर्य शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग उद्योग में घाटा खाते हैं, व्यापार में घाटा खाते हैं, नौकरी से सस्पेंड होते हैं, ऐसे लोग के संतान योग्य नहीं होते हैं, ऐसे लोग परिश्रम का जीवन में कभी लाभ नहीं ले पाते हैं, हमेशा तनावग्रस्त और संघर्ष में जीवन व्यतीत होता है। जिस व्यक्ति के बारहवें भाव में गुरु मंगल सूर्य शनि की युक्ति हो, क्या बात है, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, उदार होते हैं, जिद्दी होते हैं, मनोबल इनका अच्छा होता है, चौथापन इनका अच्छा जाता है और अपने जीवन में सोचे हुए अधिकांश कार्य को पूरा करके चौथापन इनका सुखदायी रहता है, संतान भी इनके कथनानुसार रहते हैं। ये छोटा सा वीडियो गुरु मंगल सूर्य शनि की युक्ति आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, आपके राशि पर क्या प्रभाव डालता है, ये आप ध्यान से सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करूँगा। इतना कहते हुए वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।